हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल एरिया नेटवर्क्स, यानी कि लैन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई बटन पर क्लिक करके जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं कम्युनिकेशन के उनको भी आप देख लें, ताकि जो हमारी आने वाली सीरीज है वे स्टार्ट होंगी तो एक आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा, तो वह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर लैन की बात करें या लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन एक इस टाइप का नेटवर्क है जिसको डिजाइन किया गया था कि हम स्मॉल फिजिकल एरियाज में, जैसे कि ऑफिस में, फैक्ट्री में और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर सकें। ठीक है, यानी कि एक स्मॉल एरियाज में हम यूज कर सकें, ऐसा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लैन से आपको पता लग रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया यानी कि स्मॉल एरियाज में यूज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। लैन की काफी सारी एप्लीकेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इसकी खूबी है कि इसको डिजाइन करना ईजी है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग इसकी आसान है, और पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए या वर्क स्टेशन हो गए ऑफिस में, उनको इजीली हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं वाया लैन। और जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है या शेयर करना चाहते हैं हम कुछ रिसोर्सेज को, वो भी लैन के कारण काफी इजी हो चुका है। ठीक है, लैन में अब जनरली होगा क्या, लैन में क्या होता है, जितनी भी मशीन्स होती हैं आपकी, जितनी भी मशीन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपकी एक सिंगल केबल से। ठीक है, यानी कि कोई भी एक सिंगल केबल्स होगी और जितने भी आपकी मशीन्स हैं वो सब की सब एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होंगी। ये सिंगल केबल है और इसी से ही आपकी जितनी मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वर्क स्टेशन है, पीसी हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो यूजुअली आपका प्राइवेटली ओन्ड होता है, यानी कि आप इसको खुद ही ओन करते हैं जिस जो भी एक क्रिएट करना चाहता है। यानी कि हम एक अपने ऑफिस में या एक कैंपस में, आपका कॉलेज कैंपस भी हो सकता है, या कुछ किलोमीटर्स में, फ्यू किलोमीटर्स में भी, किलोमीटर्स में मतलब मैक्सिमम हम 1 किलोमीटर में इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक अपना लोकल नेटवर्क बनाना चाहते हैं या प्राइवेटली जिसको हम खुद ओन कर सकें, तो वहां पे लैन को हम यूज कर सकते हैं। और जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती हैं उस टाइप की हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लैन में भी हम क्या कर सकते हैं कि 2 पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर को, यानी कि ऑफिस या होम में उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई पेरिफेरल डिवाइस यूज कर सकते हैं, मतलब इन सबको हम बेसिकली इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को यूज कर सकें और हम इनको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट भी कर सकें। ठीक है, तो लैन का बेसिकली काम क्या है कि ये अलाउ करता है कि हम जो पर्सनल कंप्यूटर्स के कुछ डेटाज हैं उनको शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन उनको शेयर कर सकें। जैसे हार्डवेयर है, सपोज कीजिए एक आपका ऑफिस है उसमें एक ही प्रिंटर है, लेकिन उस एक ही प्रिंटर से जितने भी हमारे पीसी कनेक्टेड हैं उन सब का प्रिंट आउट कुछ डेटा का हम ले सकते हैं। तो ये आपका लैन का एग्जांपल है। और लैन के एग्जांपल में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग फाइनेंसिंग के जो पीसी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पीसी हो गए आपके कॉलेजेस वगैरह में, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन हो गए हैं, वहां पर सभी जगह पर आपको लोकल एरिया नेटवर्क या लैन दिख जाएगा। इसमें बेसिकली अब होगा क्या, आपका इसमें कंप्यूटर होता है जो आपका सर्वर की तरह काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंप्यूटर होगा जिसको मैं सर्वर बना देता हूँ। ये क्या करता है, जितने भी बाकी के कंप्यूटर हैं या मशीन्स हैं उन सबको सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसको सर्वर कहेंगे। और जो बाकी के ये आपके कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, इन सबको हम क्लाइंट कहेंगे, इन सबको हम क्या कहेंगे, क्लाइंट्स कहेंगे। तो ये एक सर्वर होगा और बाकी के क्लाइंट होंगे, ये आप इसमें समझ सकते हैं। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि सपोज कीजिए सर्वर में मेरा कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ रिसोर्सेज हैं, उन सभी को जितने मेरे लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं वो सभी के सभी यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आपके लिए जाननी जरूरी है कि जो डेटा रेट होता है लैन का, जो डेटा रेट होता है लैन का, वो हो सकता है आपका 4 to 16 Mbps, और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है आपका 100 Mbps। ठीक है, तो इसमें आपको होप कि जो लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है ये काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आ जाती है लैन टोपोलॉजीज़।
कि किस किस तरीके से लैन को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो उसमें जो है आपकी बेसिकली दो टोपोलॉजीज होती हैं, एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी, दूसरी होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी क्या होती है कि इसमें जनरली करते क्या है कि जो एक कंप्यूटर होता है आपका, एक कंप्यूटर वो आपका एक्ट करता है एज ए मास्टर, और वो अलाउ करता है कि ब्रॉडकास्ट कर सकें, यानी कि मतलब सपोज कीजिए एक आपका मास्टर है और इसी को बाकी के जो कंप्यूटर हैं इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बस टोपोलॉजी में मैं यहाँ बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ये इसको मैं बोलूंगा मास्टर और ये आपका कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये इन सबको मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं या इन सबके रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो इस तरीके से बस टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा मशीन ट्रांसमिट करना चाहती है साइमल्टेनियसली, यानी कि ये भी और ये भी अगर साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डेटा का कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो कुछ उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है। वो काफी डिटेल्ड आपका एक लेक्चर बन सकता है पूरा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें BSNL JE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट जनरल आइडियाज लेने हैं, इनकी काफी डिटेल में नहीं जाना है कि क्या आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है। सो इसमें आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, बस टोपोलॉजी होती है उसका नाम है इथरनेट। ठीक है, इसको कहते हैं IEEE 802.3। आप ये ध्यान रखें कि जो इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो है बस टोपोलॉजी का वो है IEEE 802.3। ठीक है, तो ये जो है आपकी 10 to 100 Mbps डेटा रेट पर भी वर्क कर सकती है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर जो होते हैं इथरनेट पे वो ट्रांसमिट कर सकते हैं कि वो जहां पे भी चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट ये समझना था कि बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि एक मास्टर होगा, बाकी के सारे लिसनर्स होंगे, ये अगर कुछ ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो बाकी सबको वो चीज मिल सकती है। और अगर कुछ दो मशीन आपकी ट्रांसमिट करना चाहती है साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है, वो काफी डिटेल लेंथी मेथड है, और इसकी जो मोस्ट पॉपुलर जो बस टोपोलॉजी है वो है इथरनेट, उसका कहते हैं हम IEEE 802.3। स्पीड होगी इसकी 10 to 100 Mbps। ठीक है, ये इसमें आपको होप कि बस टोपोलॉजी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है कि जो हर एक कंप्यूटर होता है वो आपका कनेक्टेड होता है नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ में, यानी कि ये सपोज कीजिए कंप्यूटर 1 है तो ये नेक्स्ट 2 के साथ कनेक्टेड है, ये 3, ये 4 के साथ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 के साथ में, यानी कि आपस में ये इंटरकनेक्टेड है, ये रिंग की फॉर्म में ये कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली अगर कोई आपका मैसेज होता है या आप उसको टोकन भी कह सकते हैं, तो वो किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। सपोज कीजिए जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर कोई टोकन है या कोई मैसेज है वो सबसे पहले यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो वो इसके पास जाएगा, उसके बाद में इसके पास, फिर इस तरह फर्दर चलते चलते वो जनरली हर एक कंप्यूटर के पास से पास होगा, और जो नेक्स्ट जो लास्ट कंप्यूटर है आपका उससे फिर आपका जो फर्स्ट कंप्यूटर है यानी कि जो ओरिजिनेटर है उसके पास में चला जाएगा, ताकि उसको ये बता देगा कि ये जो पर्टिकुलर टोकन था या जो मैसेज था वो सभी कंप्यूटर के पास से पास हो चुका है। तो इसमें आपको जनरली बस यही ध्यान रखना है कि रिंग में जनरली होता क्या है, रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है, इसमें क्या है एक तरीके की फेयर शेयरिंग होगी नेटवर्क की, कि सभी को एक आपका मौका मिल रहा है, यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई मैसेज यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था तो वो सभी को मिल रहा है, तो ये एक तरीके की फेयर शेयरिंग हो रही है इसमें। अगर मैं बात करूँ आपकी लैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो रिंग टोपोलॉजी है आपकी, यानी कि अगर जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिंग टोपोलॉजी है आपकी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग बेस्ड टोपोलॉजी है लैन के लिए, वो आपकी क्या है IEEE 802.5।
ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बनता है कि रिंग टोपोलॉजी लैन के लिए क्या है, वो है आपकी 802.5। जैसे कि हमने लास्ट में ये डिस्कस किया है बस टोपोलॉजी के लिए, लैन के लिए बस टोपोलॉजी क्या हो गई है इसमें, वो है आपकी IEEE 802.3। ये 802.3 है और ये 802.5 है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसको आपका IBM टोकन रिंग भी बोलते हैं इसको, ये जो है आपकी IEEE 802.5 को इसको IBM टोकन रिंग भी बोलते हैं। और ये ऑपरेट होता है आपकी 4 to 16 Mbps पर, ठीक है। सो जनरली जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम बात करें BSNL JE TT एग्जामिनेशन की या फिर JTO लेवल के एग्जामिनेशन में भी, उनमें भी आपसे जस्ट यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के लिए क्या है, IEEE 802.5 है, 3 है, यही सिर्फ आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो होप कि जो लैन का या लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है और इसमें जो टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नीचे रेड बटन है उसको जरूर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल्स के बारे में बताएं, उनको लिए भी ये वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरी या सुझाव है तो आप हमें class.flyhigh@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।